तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं। आपको बता दें, इसी एम्बुलेंस में पार्थिव शरीर कुछ ही देर में उनके निवास स्थान पर निजामुद्दीन पहुंचेगा। पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए शाम 6 बजे का वक्त दिया गया है, जब रख दिया जाएगा। आम लोग भी दिल्ली वाले जाकर अंतिम दर्शन कर पाएंगे। यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़, जैसा कि तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, निजामुद्दीन स्थित उनके आवास पर पार्थिव शरीर रखा जाएगा और कल दोपहर 2:30 बजे अंतिम संस्कार दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का कर दिया जाएगा। एक बार फिर से सुशांत, आपका रुख करते हुए, शाम 6 बजे से अंतिम दर्शन के लिए पार्थिव शरीर रखा जाएगा। पार्थिव शरीर पहुंच चुका है इस एम्बुलेंस में, शीला दीक्षित का पार्थिव शरीर है जो अब निकाला जाएगा बाहर और उसके बाद लोग अंतिम दर्शन कर पाएंगे। कौन कौन से लोग वहां पर मौजूद हैं, उनके परिवार के लोग कहाँ हैं, उनसे कोई बातचीत हुई है क्या सुशांत? देखिए चित्रा, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कैमरा पर्सन से, सीधे तस्वीरें, क्योंकि एम्बुलेंस जो है वो अब आ चुकी है और तमाम जो कार्यकर्ता हैं और तमाम जो लोग हैं, मीडिया का पूरा जमावड़ा है और एम्बुलेंस को पूरी तरह से यहाँ पर लोग जो है अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पहुँच गए हैं। अब उन ये जो एम्बुलेंस है उनके घर के पास जाएगी और उनके पार्थिव शरीर को जो है वो उनके इस निवास स्थान पर, जो उनका मकान है सेकेंड फ्लोर पर, उन पर यहाँ पर रखा जाएगा ताकि अंतिम दर्शन जो है वो तमाम लोग जो हैं, जो उनके चाहने वाले थे, उनके कार्यकर्ता हैं, तमाम पूर्व कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं, तमाम बीजेपी के लोग हैं, तमाम बड़े बड़े लीडर्स जो हैं वो यहाँ पहुँचेंगे उनके पार्थिव शरीर के दर्शन करने के लिए। और इसके साथ साथ जो तमाम जो संवेदना है वो अपनी व्यक्त करेंगे, क्योंकि शीला दीक्षित जिस तरीके से जानी जाती थी और वो अब कहीं ना कहीं अब हमारे सबको जो है वो कहीं ना कहीं छोड़ करके चली गई हैं। एक कहीं ना कहीं दुख जो है वो कहीं ना कहीं व्यक्त होता हुआ तमाम लोगों के बीच में है और ऐसे में अब सिलसिला जो है वो एकाएक यहाँ पर पहुँचता हुआ नजर आएगा। क्योंकि अगर कहा जाए तो संदीप दीक्षित जो कि उनके बेटे थे, जब उनका डेथ हुई, उनको हार्ट अटैक हुआ, उसके बाद उस समय वो एस्कॉट हॉस्पिटल के अंदर खुद मौजूद थे और अब अगर कहा जाए उनके परिवार की तरफ से अभी तक कोई प्रतिक्रिया जो है वो सामने नहीं आई जा रही है, क्योंकि उनकी बेटी जो लितिका दीक्षित है उन्होंने ही पूरी जो है घटना की जानकारी जो है वो मीडिया से साझा की थी। अब फिलहाल अगर देखा जाए तो उनके पार्थिव शरीर को यहाँ पर लाया जाएगा और रखा जाएगा अंतिम दर्शन के लिए। शीला दीक्षित के घर से ये लाइव तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, राजधानी दिल्ली के निजामुद्दीन स्थित शीला दीक्षित का ये वही घर है जहां पर पार्थिव शरीर को इस एम्बुलेंस में लाया गया है। इस एम्बुलेंस के भीतर पार्थिव शरीर शीला दीक्षित का 81 साल की उम्र में आज दोपहर उन्होंने अंतिम सांस ली। 3:55 वक्त बताया जा रहा है जब दोपहर में राजधानी दिल्ली के एस्कॉट हॉस्पिटल में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनका पार्थिव शरीर राजधानी दिल्ली में उनके आवास पर ले आया गया है और माना जा रहा है कि 1 घंटे के बाद, यानी कि आधे घंटे के बाद, 6 बजे से आम लोगों के लिए पार्थिव शरीर रख दिया जाएगा, लोग जाकर दर्शन कर पाएंगे। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।